एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है फिजिक्स स्ट्रैटेजी को लेके, सेकंड टर्म के लिए कैसे तुम्हें अभी से प्रिपरेशन करनी है फॉर फिजिक्स, सो दैट अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म में थोड़े से गंदे मार्क्स भी आ रहे हैं सो वो कवर अप हो जाए इन योर सेकंड टर्म। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन। तो अभी तुम लोग को बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है सेकंड टर्म के लिए। ये फिजिक्स की स्ट्रैटेजी है, वैसे ही मैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी अपलोड करूंगी। सो डेफिनेटली जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें गौर करना एंड चाहो तो एक डायरी में वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके लिख सकते हो, बिकॉज कई बार हम गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, गलत चीज़ें फॉलो करते हैं, देन ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट सही नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मार्क करके लिख लेना। मैं खुद अपनी डायरी में कई चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी BSc की स्टडी है उससे रिलेटेड, तो वो मैं सारी ही चीज़ें अपनी डायरी में लिखे रहती हूँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं ना, बहुत बेसिक होती हैं बट ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। तो जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ उन्हें डायरी में जाके सेपरेटली लिख लेना। एंड सबसे पहले देखो क्या करना है फिजिक्स में। तुम लोग के 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, रे प्लस वेव ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया, देन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन वाला तो कट गया है, अगर किसी के बोर्ड में है तो वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं एंड इसमें ना तुम लोग को स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, यार ये क्या आ गया, रे ऑप्टिक्स में इतने सारे डेरिवेशंस हैं, इतने न्यूमेरिकल्स हैं, सारे कैसे समझ में आएंगे, मतलब स्टार्टिंग में होता है वो। बट एक बार अगर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है वो चैप्टर, उसके बाद उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लिए, देन एक और बार रिवाइज कर लिया, बिलीव मी तुम लोग को ना फर्स्ट टर्म से भी ज़्यादा ईजी सिलेबस ये वाला लगेगा। मतलब हमने भी जब स्टार्ट किया था ना, पहले मुझे लगा था कि यार ये सेकेंड टर्म वाला तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट उसके बाद मुझे ये जो सेकेंड पार्ट है ये ज़्यादा ईजी लगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट पार्ट। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर किसी को नहीं पता है कि क्या क्या चीजें हैं, तो रे एंड वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन तीनों चैप्टर्स के वन शॉट मैंने अपलोड कर रखे हैं। नोट्स तो तुम्हें सारे ही चैप्टर्स के मिल जाएंगे, तो सबसे पहले जाओ प्लेलिस्ट पे, तुम्हें वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड वहां पे देन नोट्स की PDF की लिंक, तो वहां से सारे ही नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लो। उन्हीं वीडियोज में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है वो भी बता रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम्हें मार्क करते जाना है कि जैसे रे ऑप्टिक्स है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं सबसे ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे करूं, कि अगर मेरा कोई और टॉपिक है वो छूट भी जाए बट ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट ना ही छूटे, ठीक है। तो उन्हीं वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं एंड साथ ही जो नोट्स की PDF है वो भी प्रोवाइड कर रखी है, वन शॉट भी अपलोड कर रखे हैं। तो अभी से स्टार्ट कर दो रे एंड वेव ऑप्टिक्स करना, थोड़ा सा लेंदी होता है बट बिलीव मी बहुत ईजी होता है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट दान अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, वेयर यू वुड बी कम्पीटिंग लाइव विद थाउजेंड्स ऑफ अदर लर्नर्स एंड हियर यू विल ऑल्सो बी गेटिंग स्कॉलरशिप्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स। एंड जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में आपको कराए जाएंगे, सारे ही क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द टॉप एजुकेटर्स, सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। किसी भी लैंग्वेज में आप ये दे सकते हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, एंड ऑल्सो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, सो दैट आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो एंड अपनी रैंक जो है उसे आप चेक कर सकते हो। एंड मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता है, सो उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें अकेडमी पे ही मिलेगा। सो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये जो कॉम्बैट है ये एक फ्री लाइव टेस्ट है जो कि अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप पे कंडक्ट कराया जाता है हर संडे, एंड इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 45 या फिर 60 मिनट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। सो इस टेस्ट की जो टाइमिंग है वो है 12 PM फॉर 6 to 8 क्लास स्टूडेंट्स, 11 AM फॉर 9 to 10 एंड 11 to 12 के लिए 1 PM टाइमिंग है। सो इसके लिए डेफिनेटली एनरोल करना, मेरा जो अनलॉक कोड है आप यूज कर सकते हो ANJV10। ऑल्सो अनअकैडमी पे आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च्ड बैचेस हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एंड सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सो अगर आप आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो अनअकैडमी का अभी, तो आपको 4 months का फ्री एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो अभी जाके अगर आप परचेस करते हो तो मेरा जो अनलॉक कोड है ANJV10 आप वो यूज कर सकते हो एंड आपको 10% ऑफ मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करने पर। ऑल्सो जो टेस्ट है उसके लिए एनरोल करो एंड मेरा जो अनलॉक कोड है वो डेफिनेटली यूज कर लेना। एंड अगर तुम लोग चाहो तो अभी से डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हो, जैसे मैंने बताया वन शॉट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, बट मान लो तुम्हें इन डिटेल वीडियोस भी देखनी है तो अभी से तुम देख सकते हो, बिकॉज अभी तुम लोग के पास टाइम है इनफ कि तुम लोग डिटेल्ड वीडियोस भी देख सको। तो फिजिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट फिजिक्स वाला सर ओनली, बिकॉज मुझे पर्सनली उन्हीं का एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छे से समझ में आता है। अगर किसी और के वन शॉट्स भी तुम लोग को अच्छे लगते हैं या डिटेल्ड वीडियोस, तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट औरों की भी हेल्प हो सके, वो भी उन वीडियोस को देख सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम लोग को फॉलो करनी है। इसके बाद जब तुम सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद ना खुद के नोट्स बनाओ, मेरे नोट्स डाउनलोड कर लेना, उनकी हेल्प तुम लोग ले सकते हो, बट हमेशा मैं यही कहती हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज लास्ट में जब हम रिविजन कर रहे होते हैं ना तो उन्हीं नोट्स से हमें सबसे अच्छे से समझ में आता है। तो
इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि खुद के नोट्स बनाओ, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद ना सीधे जंप ऑन टू द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। मान लो 4-5 कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, एंड क्वेश्चन बैंक में अगर उसका सोल्यूशन भी गिवन है ना, तभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता है बहुत सारे डाउट सॉल्विंग ऐप्स है तुम लोग के पास, उनका यूज़ कर सकते हो, जैसे डाउट नट, स्नैप सॉल्व, ब्रेनली वगैरह बहुत सारे हैं। दिस इजेंट अ प्रमोशन, बट कोई चीज़ अगर तुम लोग के लिए हेल्पफुल है तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल है, वो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। कई सारे ऐप्स होते हैं, फालतू ऐप्स रखने से अच्छा तुम अच्छे ऐप्स रखो एंड देन उन्हीं का यूज़ करो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तुम लोग फॉलो कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है कि ऑलरेडी सारी वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, नोट्स की जो वीडियोज़ है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें डेफिनेटली मार्क कर लेना, उन्हें तो किसी भी कीमत में मत छोड़ना। बाकी कोई टॉपिक अगर है जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अगर छूट भी जाए ना तो चलेगा, बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर प्रीवियस ईयर में तुम्हें वो मिल ही जाएंगे, तो वो तो डेफिनेटली तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। देन जैसे तुम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो, मान लो रे ऑप्टिक्स कर रहे हो, तो उसी के क्वेश्चंस ना साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते जाओ। मतलब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस तो तुम लोग को मिल ही जाएंगे, थ्योरेटिकल भी एंड न्यूमेरिकल्स भी, तो न्यूमेरिकल्स भी करते जाना है, बिकॉज बाद में फिर कई बार हम फॉर्मुलाज भूल जाते हैं, कई बार कुछ। एक बार तुम अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो तो इन डिटेल कर लो उसे कि हाँ मेरे न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं, मेरे थ्योरी वाला पोर्शन भी हो गए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जैसे तुम सिलेबस अपना करते जा रहे हो तो PYQs भी चेक करते जाओ। अब मैंने तुम्हें बुक रिकमेंड की थी पिछली वाली वीडियो में कि क्या बुक तुम ले सकते हो कंप्लीट अगर तुम्हें सॉल्व पेपर्स चाहिए हैं, बट अगर तुम्हें सॉल्व पेपर्स नहीं चाहिए खाली पेपर्स चाहिए हैं तो तुम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तुम लोग को CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स, एंड वहाँ से तुम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टर्म 1 के भी होंगे, तो सिंपली उसमें क्रॉस लगा देना, एंड जो सेकेंड टर्म का है सेकेंड टर्म के क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक वे में प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट बाद में ये ना हो कि यार ये क्वेश्चन तो टर्म 1 का है, इसे कैसे काटूं ये वो सो, क्योंकि बाद में फिर वो टाइम वेस्ट लगता है। तो इसीलिए अभी से जो टर्म 1 के क्वेश्चन है उन्हें काटो, टर्म 2 के जो हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को फॉलो करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs मैंने ऑलरेडी बताया है, बिकॉज अब तुम लोग का सब्जेक्टिव वाला पेपर है, तो प्रीवियस ईयर्स तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई सिर्फ लास्ट में प्रीवियस ईयर्स करके भी जाता है ना, तो उसके आराम से पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सेकेंड टर्म के लिए ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा हो, एंड जितने भी आपके डेरिवेशन होना वो सारे ही आपको लर्न करने हैं, बिकॉज अब सब्जेक्टिव वाला है तो डेरिवेशन भी आएंगे, तो डेरिवेशन सारे ही लर्न करने हैं। डेरिवेशन कैसे लर्न करने हैं कई लोग पूछते हैं, तो सिंपली ना प्रैक्टिस करते जाओ एंड रिटन प्रैक्टिस। ये नहीं है कि एक बार देख लिया अच्छा ये स्टेप है एंड सीधे लर्न हो गया। अब अगर आपके पास है इतनी पावर कि हाँ एक बार देखने में लर्न हो जाता है, सो दैट्स वेल एंड गुड, बट बहुत लोग के पास ऐसा नहीं होता है, तो तुम लोग रिटन प्रैक्टिस करते जाओ। मैं पर्सनली 4-5 बार जब तक प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे कोई डेरिवेशन लर्न नहीं होता है, तो इसीलिए रिटन प्रैक्टिस करते जाओ। देन एक बार हैबिट हो जाएगी ना, तो अगर तुम्हें पता है हाँ ये डेरिवेशन है तो ये डेराइव मुझे कैसे करना है, मुझे खुद ही लर्न हो जाता है। अभी तक जैसे कोई भी डेरिवेशन है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ इस तरह से करना है, बिकॉज एक बार अगर तुम प्रैक्टिस इतनी कर लेते हो ना तो तुम्हें खुद ही लर्न हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल्स, बिकॉज कई बार न्यूमेरिकल्स ज़्यादा डाल देते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आएंगे, ये नहीं है कि हाँ बस देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप के अगर 2-3 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आराम से वो समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे इसी टाइप से इसे सॉल्व करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं फिजिक्स के लिए, इन्हें डेफिनेटली फॉलो करना। इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, आई ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। आई एम हैविंग अ बिजी शेड्यूल दीज डेज, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जल्द ही आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।